मेरा नाम सैमा सरवर है हम चार बहनें हैं मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की है हम इधर लेला गांव में रहते हैं इधर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं जिनकी वजह से लोग बच्चियों को ज़्यादा तालीम हासिल नहीं करवाते जो हमारी अपनी फैमिली है उनको पढ़ने का बहुत शौक है पहले अब मेरे फौजी थे फौजी थे फौज में मुलाजम थे लेकिन वो उधर से रिटायरमेंट हुई तो फिर उनको शुगर हो गई शुगर की वजह से उनका पाँव डॉक्टर ने काट दिया तो अब वो घर पर ही होते हैं किसी काम के काज के काबल नहीं है अम्मी अम्मी लोगों के घरों में काम करके हमारा मुश्किल से गुजारा होता है तालीम हासिल करने का भी बहुत शौक है छोटी बहनों को जिसकी वजह से मैं कहती हूँ इस सिलाई सेंटर में काम करके मेहनत लगन से और फिर उनको तालीम हासिल करवा सकूँ और अपने वाले का बोझ बांट सकूँ अम्मी अबू ने जब मैंने उनसे इजाज़त ली तो उन्होंने वो पहले नहीं मान रहे थे मैंने कहा कि फिर ऐसे हमारे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं अगर इधर मैं काम करूँगी मेहनत लगन से तो काफ़ी फ़ायदा होगा मुझको फिर मैं बच्चियों को भी घर में स... बच्चियों को भी सिखाऊंगी और आर्डर पर काम जो आया वो भी करूँगी तो फिर इस तरह कुछ पे मिलेगी जिसकी वजह से फिर मैं आप लोगों का बोझ बाँट लूँगी अम्मी अबू ने फिर मान गए मेरी बात को समझा फिर आप सिलाई सेंटर यहाँ सीखने आती पहले नए नए आए थे तो कटिंग मुश्किल लगती थी लेकिन जब आप इधर कटिंग देखते हैं सीखते हैं ख़ुद करते हैं तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं रही अब सिलाई भी आती है और कटिंग भी आती है जी मैंने अपने बहुत से हमसायों के कपड़े भी सिलाई की है अपनी बहन छोटी बहन भाइयों के भी सिलाई की है हाँ तो बहुत अच्छे तरीके से काम फिर नीट हो रहा है जब कोर्स मुकम्मल करने के बाद आर्डर पर काम आ गया तो मैं ज़रूर इनशा आर्डर पर काम करूँगी ताकि इस सेंटर के इदारे में मैं एक हेल्पर रह सकूं। काफ़ी सारी बच्चियां हैं फिर वो इस सेंटर के बारे में पूछती हैं तो फिर इधर आती हैं लेकिन ये थोड़ा सेंटर इदारे से इधर गांव से थोड़ा हट के बनाया गया है जिसकी वजह से लोग इधर आना दुशवार समझते हैं लेकिन मैंने अपनी अम्मी से बात की तो मल्ले की दो तीन लड़कियाँ हमने रक्शे पर का निज़ाम किया हुआ है जो हम सारी बच्चियाँ मिलकर उस रक्षे में आती हैं इकट्ठा इस सेंटर में आती हैं काम करने के लिए मेरे अम्मी अबू जब भी मेरे काम को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटी उधर से, उस सेंटर में काम कर का रही है बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ आ रही है वो उस पर जो उसको मैडम्स सिखाती हैं उस पर सही अच्छे तरीके से अमल कर रही हैं सबसे ज़्यादा अहम चीज़ के उन्होंने मेरे बोझ को भी बाँट लिए